मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो सदा अथक परिश्रम करता है, और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रुटि यही कि वो सदा छोटा मार्ग चुनता है। कदाचित इसीलिए वो वरदान चाहता है, कदाचित इसीलिए वो श्राप से भय खाता है। परंतु जय विजय हानि लाभ की भांति ही श्राप और वरदान केवल भाव मात्र हैं। कब कौन सा वरदान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वरदान में सिद्ध हो जाए, ये केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। विष पीकर शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे, तो सब खेल है केवल भाव और कर्मों का। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप को वरदान बनते देर नहीं लगती, और यदि कर्म अनुचित हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। मैं धर्मराज हूं युधिष्ठिर, तुम्हारा पिता। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जानना चाहता था कि होने वाले महायुद्ध में क्या तुम न्याय कर पाओगे, और मुझे विश्वास हो गया कि तुम सदा न्याय और धर्म की स्थापना करोगे। विजय भाव पुत्र, विजय भाव। तेरे सभी पुत्र अब सुरक्षित। धन्यवाद दे। प्रणिपात वासुदेव, आप यहां वासुदेव? हां धर्मराज, तुम एक परीक्षा में भले ही सफल हो गए, परंतु मैं यहां अगली परीक्षा के लिए तुम्हें सावधान करने आया हूं। कैसी परीक्षा माधव? अज्ञातवास की परीक्षा अर्जुन, जो सरल नहीं होगी। क्या उसके विषय में कुछ सोचा है? जैसे वनवास कट गया वैसे ही अज्ञातवास भी कट जाएगा माधव। नहीं युधिष्ठिर, मनुष्य को अपनी कठिनाइयों से निकलने के विषय में पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयों का लाभ उठाने के विषय उसके शत्रु पहले सोच लेते। असंभव, कैसे हो सकता है ये? पांडव बचकर कैसे निकल गए? दिग्विजय प्राप्त कर ली, चारों दिशाएं जीत ली, परंतु हर बार पांडवों से क्यों हार जाते हो तुम? इतने सैनिक साथ थे, शकुनी तुम भी थे, फिर कैसे असफल हुए? कैसे? रुष्ट ना होइए महाराज, हम असफल नहीं हुए क्योंकि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। अर्थात ये महाराज,
कि अंगराज कर्ण ने पांडवों को अज्ञातवास में देखा था। इसीलिए नीति अनुसार पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। कर्ण, क्या ये सत्य है? कर्ण, तुमने पांडवों को देखा था? जानता हूं पुत्र, तुमने अवश्य पांडवों को देखा है, परंतु अब समय है कि उनके विरुद्ध एक और अधर्म को होने से रोका जा सके। उत्तर दो कर्ण, क्या तुमने पांडवों को देखा था? जी, देखा था। क्या तुम्हारी बात का सत्यापन करने के लिए कोई साक्ष्य है? नहीं। ऐसा क्यों? जब तक सैनिक वहां पहुंचे, पांडव वहां से जा चुके थे, और मैंने गांधार राज और युवराज को बताया था कि पांडव मेरे समक्ष खड़े हैं, परंतु उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और दूसरी ओर चले गए। गांधार राज, अज्ञातवास के नियमों के अनुसार साक्ष्य को कुरु कुल के किसी सदस्य का समर्थन होना चाहिए। अंगराज के साक्ष होने पर किसका समर्थन है उन्हें? अंगराज कर्ण की बात पर कौन अविश्वास कर सकता है महामहिम? और उनके साक्ष होने पर स्वयं कुरुवंश के सम्राट दुर्योधन का समर्थन भी है, है? हाँ, मुझे अपने मित्र कर्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है। मैं समर्थन करता हूं कि कर्ण ने पांडवों को अज्ञातवास में देखा है। युवराज, यदि तुम्हें विश्वास था तो कर्ण की बात ना मानकर दूसरी ओर क्यों चले गए? और आप गांधार राज, यदि आपको कर्ण की बातों पर विश्वास था तो आप उसके पास क्यों नहीं गए? इसका अर्थ यह है कि आपको कर्ण पर विश्वास नहीं था, अर्थात अज्ञातवास भंग नहीं हुआ। परंतु प्रश्न ये उठता है ताच्छरी, कि अब किया क्या जाए? खोज, पांडवों की खोज के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं, क्योंकि नियम अनुसार पांडवों का अज्ञातवास किसी विघ्न के बिना आरंभ हो चुका है। अज्ञातवास में जाने का समय हो गया है, परंतु तुम सबके शस्त्रों को देखकर कोई भी तुम्हें पहचान लेगा। भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव और तुम सबके अस्त्रों और शस्त्रों को देखकर तुम्हें कोई भी पहचान सकता है। इसीलिए जाने से पूर्व इन्हें छिपा देना आवश्यक है। परंतु कहां माधव, यदि किसी ने यह शस्त्र ढूंढ लिया तो कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। स्थान सुरक्षित नहीं होता अर्जुन, स्थान सुरक्षित किया जाता है। मैं समझा नहीं माता। अपने अस्त्रों और शस्त्रों को नीचे रखो। सखी, इस वृक्ष के पीछे श्वेत वस्त्र रखे हैं,
उन्हें यहां लेकर आ जाओ। जी। अब जो भी इसे देखेगा उसे यह प्रतीत होगा कि यह एक मृत शरीर है। कुछ लोग भय के कारण तो कुछ लोग घृणा के कारण यहां नहीं आएंगे। इस शमी के वृक्ष पर एक वर्ष तक ये अस्त्र और शस्त्र सुरक्षित रहेंगे। परंतु अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये खड़ा होता है कि अज्ञातवास में जाओगे कहां? पहली बार किसी ने भरी सभा में शकुनी को मूर्ख सिद्ध किया है कर्ण, और इसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। मैंने वन में भी सत्य कहा था और राज्यसभा में भी। मैं तुम्हें बस मामा जी बस, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने बंद कीजिए। तो हो गया अपने घायल दम पर आरोप का मलहम लगाना बंद कीजिए आप। और तुम कौन? अपने आप को मेरा सेवक कहते हो ना? तो ठीक है, अब तुम मेरा आदेश मानोगे। जाके ढूंढो उन पांडवों को। केवल एक वर्ष है मेरे पास, केवल एक वर्ष। आर्यव्रत के सभी राजा या तो मेरे अधीन है और या मेरे मित्र। तो अब जाओ और ढूंढो इन्हें, गुप्तचर भेजो, जो करना है करो। परंतु मुझे सूचित करो कि पांडव कहां छुपे हैं। बस, जिस आर्यव्रत पर विजय पाने के लिए 12 वर्ष लग गए दुर्योधन, 12 वर्ष, वहां 12 महीनों में पांडवों को कैसे ढूंढ पाओगे तुम? अब हमें ये कार्य शक्ति से नहीं, युक्ति से करना होगा। ध्रुव लीजिए, ये नई युक्ति आई है, अर्थात मामा श्री, अर्थात पांडव किसी भी परिस्थिति में हमारे मित्र राष्ट्रों में नहीं जाएंगे ना। वो वहां जाएंगे जिन्होंने हमारी अधीनता स्वीकार तो कर ली है, परंतु जो मन से पांडवों के पक्ष में है। ए मन से पांडव, द्वारका। दुर्योधन को लगेगा कि तुम सब द्वारिका में छिपे हो, इसलिए वो अपने गुप्तचर द्वारिका और तुम्हारे मित्र राजाओं के यहां भेजेगा। और यदि वो कहीं असावधान होगा तो केवल उस स्थान पर जहां स्वयं उसके मित्र हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी खोई हुई वस्तु कभी अपने ही आंचल में नहीं ढूंढता। मैं समझा नहीं, आपका संकेत क्या वासुदेव? तुम विराट नगर जाओ युधिष्ठिर। विराट नगर के राजा केवल नाम के राजा हैं, और वहां पर शासन रानी सुदेशना के भाई कीचक का चलता है, और कीचक दुर्योधन का सबसे परम मित्र है। इसलिए दुर्योधन कभी सोच ही नहीं पाएगा कि तुम सब वहां छिपे। सूर्य भले ही मेघों में छिपा, परंतु उसका तेज बाहर आ ही जाता है।
ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी प्रकृति से भिन्न व्यवहार नहीं कर सकता दुर्योधन, ना? युधिष्ठिर धर्मराज है, इसलिए कहीं उपदेशक या मंत्री बना बैठा हो। इस बार तुम्हें अपनी प्रकृति से भिन्न व्यवहार करना हो युधिष्ठिर। तुम कंक के नाम से राजा विराट से मिलोगे और तुम वो कार्य करोगे जो तुम जीवन में कभी नहीं करना चाहते। तुम राजा विराट के साथ चौसर खेलोगे। प्रणिपात महाराज, वृकोदर भीम के पेट की अग्नि बुझती नहीं, इसीलिए वो कहीं मिष्ठान के प्रतिष्ठान पर होगा। उसकी भूख स्वयं उसका पता बता दे। तुम्हें अपनी भूख पर नियंत्रण रखना होगा भीम। तुम वल्लभ बनकर विराट की भोजनशाला में काम करोगे। और अपनी भूख पर कड़ा नियंत्रण रखो। और अर्जुन, उस महाधनुर्धर का पौरुष कहां छिप सकता है, ना? वो कहीं होगा सैनिक के वेश में, अपना पौरुषत्व दिखाएगा। और तुम पार, समय आ गया कि उर्वशी से मिले श्राप को वरदान सिद्ध करने का। तुम्हें एक वर्ष के लिए अपने पौरुष को त्यागना होगा। नपुंसक बृहन्नल्ला बनकर तुम राजा विराट की संगीत शाला में कार्य करो। अति उत्तम प्रेनला, क्या तुम हमारी पुत्री उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा दोगी? अवश्य महारानी, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूंगी। नकुल सादे, बेचारे कोमल सुंदर, उनसे परिश्रम नहीं होगा ना, इसीलिए किसी राज्य में सभासद बनकर बैठे होंगे। नकुल, सहदेव, तुम ग्रंथिक बनकर और तुम तंतिपाल बनकर विराट नगर की गौशाला और अश्वशाला में कार्य करो। और सबसे अधिक वो पांचाली, उसका तेज, उसकी आंखों की ज्वाला कहां किसी से छुप सकती है दुर्योधन। और तुम सखी, तुम्हें अपना दर्द छिपाने के लिए सबके समक्ष घूंघट में रहना होगा। दासी सैरंधरी बन, जिसके पति गंधर्व, तुम रानी सुदेशना की रूप सज्जा का कार्य संभालो। सैरंधरी, ये तो अति उत्तम है कि तुम सदा घूंघट में ही रहोगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारा रूप देखकर विराट राज तुम्हारे वश में हो।
यदि मेरे सिखाए मार्ग पर चलोगे तो पांडवों को ढूंढना कठिन कार्य नहीं होगा। भूल कर रहे हो गांधार राज, पांडव पकड़ में नहीं आएंगे क्योंकि वो वासुदेव के दिखाए मार्ग पर चल